दोस्तों, आज हम आपको एक लड़की का वाकिया बताने वाले हैं जो मुसलमान नहीं थी, लेकिन वह अपने काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किया करती थी और फिर बिस्मिल्लाह की बरकत से उसकी जान कैसे बच गई। ये पूरा वाकिया सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकिया कुछ इस तरह से पेश आया कि पहले के वक्त में ईरान में एक गैर मुस्लिम लड़की रहती थी। उस वक्त वो लड़की मुसलमान नहीं हुई थी। उस वक्त ईरान में एक बादशाह हुकूमत करता था और उस बादशाह का वजीर उस लड़की का बाप था, लेकिन वो बहुत जालिम आदमी था। अब इस लड़की का दिल इस तरह से बदला कि एक बार एक बुजुर्ग बाबा महफिल में बयान कर रहे थे। उस बयान में वो बिस्मिल्लाह शरीफ के फजाइल बयान कर रहे थे कि जो भी अहम काम करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू किया करो। अगर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता तो वह काम आधा और नामुकम्मल हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हर नेक और जायज़ काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए। वो बुजुर्ग बयान कर रहे थे कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बहुत ही अच्छी तरीके से, दिल की गहराई से, सच्ची नीयत से और खूबी के साथ पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। बस ये सुनने की देरी थी कि उस लड़की के दिल में ईमान जाग उठा। बस अब अल्लाह तबारक व ताला की करम नवाजी हो चुकी थी और वो इस्लाम की मोहब्बत में डूबती चली जा रही थी। जब वो लड़की उन बुजुर्ग की बात सुनकर घर वापस आई तो उस लड़की ने चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र जारी कर दिया। उसका जो बाप था उसे इस्लाम से नफरत थी। उसने जब देखा कि उसकी बेटी ये पढ़ रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द कर रही है, तो उसको गुस्सा आने लगा कि वो लड़की हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती थी और बहुत खुश होती थी और ये भी कहती थी कि इस कलमे से मेरे दिल में ईमान जाग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हर काम बन जाता है। जब ये बात उसके बाप ने सुनी तो वो बहुत नाराज हुए और उसने सोचा कि अब मैं इसको कहीं भी बाहर नहीं जाने दूंगा। अब ये लड़की मारपीट के जरिए ही सही होगी। ये जालिम आदमी अपनी बेटी को बहुत मारता और उसे कमरे में बंद कर देता था। उसे अगर भूख लगती थी तो वो भी उसे भूखा ही रखता, उसे खाना नहीं देता। लेकिन वो लड़की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती जाती थी। उस लड़की के पास बहुत सारे कबूतर थे। उसका बाप बादशाह का वजीर था तो वो उस महल में ही रहती थी, तो उन कबूतरों को भी बिस्मिल्लाह सिखाती थी। वो सारे कबूतर उसके दोस्त थे और उसी की खिड़की के पास उन कबूतरों का घोंसला था। बाप ने जब बंद करके भी आजमा लिया तो अब सोचने लगा कि ये लड़की सुधरने वाली नहीं है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। उसके बाद उस जालिम बाप ने एक साजिश की कि बादशाह के पास एक हीरे की अंगूठी थी जो किसी और के पास नहीं थी, सिर्फ बादशाह के पास थी। बादशाह उस अंगूठी को बहुत संभल कर रखता था और जान से भी ज्यादा वो अंगूठी बादशाह को अजीज थी। एक बार बादशाह सो रहा था और अंगूठी उसके सिरहाने पर रखी हुई थी। ये वजीर यानी उस लड़की का बाप चुपके चुपके कमरे में आया और वो अंगूठी उठाकर वहाँ से चला गया। लड़की को देता तो लड़की बादशाह को बता सकती थी कि ये अंगूठी मेरे बाप ने मुझे दी थी। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूँ। अगले दिन वो बेटी के कमरे में आया। उस वक्त वो कमरे में मौजूद नहीं था। बाप इधर उधर देखने लगा। उसने सोचा कि ये जो कबूतरों का घोंसला है उसके अंदर मैं अंगूठी छुपा देता हूँ और सिपाहियों से कहूँगा कि उस घोंसले में भी चेक करो, हो सकता है कि अंगूठी उसमें मौजूद हो। साजिश तो बहुत अच्छी की थी, चालाकी से उसने काम किया था, लेकिन सब कुछ उसके मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। वो लड़की अल्लाह तबारक व ताला का नाम लेने वाली थी और अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। लड़की को ये बात पता नहीं थी कि अंगूठी
कबूतर के घोंसले में है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी अंगूठी नहीं है तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को बुलवाया और कहा कि जिस किसी ने भी मेरी अंगूठी चुराई है फौरन उसका नाम मुझे ला कर दो, उस शख्स को पकड़ लाओ, मैं उसका सर खुद कलम कर दूंगा। वजीर तो इसी मौके की ताक में था, वह कहने लगा कि जान की अमान पाऊं तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप बाहर के लोगों को क्यों देख रहे हैं, आपको सबसे पहले इस महल में तलाशी शुरू करनी चाहिए। तो बादशाह कहने लगा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो उसने कहा कि नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन उसूल की बात है कि पहले हमें अपने महल में ही ढूंढना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग महल के ही गद्दार होते हैं। बादशाह ने कहा कि बात तो तुमने ठीक कही है, तो चलो फिर महल से ही तलाशी शुरू करते हैं। चल के तलाशी शुरू कर दी। जब सिपाही वजीर के बेटी के कमरे में पहुँचे तो अंगूठी नहीं मिली। वजीर ने कहा कि इस घोंसले में भी देखो, लेकिन उन्हें वहाँ भी अंगूठी नहीं मिली। सिपाही तो सोच नहीं सकते थे कि एक बाप अपनी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है कि बादशाह के जरिए से उसको कत्ल करवाना चाहता है। सिपाहियों ने जब घोंसले में भी तलाशी ली तो अंगूठी मौजूद नहीं थी। उसके बाद सिपाही उस वजीर के कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बिस्तर के ऊपर वो अंगूठी रखी हुई है। सिपाहियों ने फौरन उस वजीर को, उस जालिम बाप को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के सामने ले आए। बादशाह ने कहा कि तू चोर है, तू इतने दिनों से गद्दारी कर रहा था, अब मैं तुझे माफ नहीं करूँगा। बादशाह ने तलवार उठाई और एक झटके में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। तमाम दरबारी देख रहे थे, यहाँ तक के वो लड़की भी देख रही थी। ये मंजर देखकर वो लड़की भी रोने लगी। उसको पता भी नहीं था कि उसका बाप उसका कितना बड़ा दुश्मन था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अंगूठी बाप के कमरे में कैसे पहुँची। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लड़की उन कबूतरों को बिस्मिल्लाह सिखाती थी, जब उसका जालिम बाप अंगूठी रखने आया तो कबूतर अल्लाह पाक की कुदरत से ये बात समझ रहे थे और वो कबूतर जिसके घोंसले में वो अंगूठी मौजूद थी वो उड़ने लगा। जब वो उड़ने लगा तो अंगूठी उसके पैरों में फंस गई और वो उड़कर जालिम बाप के कमरे में आया और अंगूठी उसी के बिस्तर पर गिरा दी और वापस कमरे में आ गया। इस तरह वो लड़की बच गई। बिस्मिल्लाह की बरकत पर लड़की ने सोचा कि मैंने जो इन बुजुर्ग की बात सुनी थी, जो उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह की बरकत से हर बिगड़े काम बन जाते हैं, मुश्किलात हल हो जाते हैं, तो अब इस लड़की ने ये बात आजमाई थी। उसके बाद वो लड़की मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर ये बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है। इसलिए इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों तक पहुंचाकर इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर लें और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।